फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बिफोर ब्यूटी में। आज मैं आपको केले का फेस मास्क सिखाने वाली हूँ। ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, तो चलिए इस फेस मास्क को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रूखी त्वचा के लिए फेस पैक तैयार करेंगे। सबसे पहले एक कटोरी लें, और इसको हमें बारीक बारीक कट कर लेना है। अब इसको अच्छी तरह से मैश कर लें। देखिए फ्रेंड्स, हमने केले को अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब आपको एक दूसरी कटोरी लेनी है, इसमें थोड़ा सा केले का पेस्ट डालेंगे। अब इसमें आधा चम्मच शहद ऐड करेंगे। और आधा चम्मच नारियल का तेल ऐड कर दें। अब हमें इन तीनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चेहरे को सादे पानी से धोकर इस फेस पैक को फेस पर लगाएं और 15 मिनट के बाद चेहरे को सादे पानी से धो लें। हफ्ते में 2 से 3 बार आप ये पैक लगा सकती हैं। अब हम तैयार करेंगे दूसरा फेस मास्क, जो है ग्लोइंग स्किन के लिए। हमें थोड़ा सा मैश किया हुआ केला लेना है। अब इसमें आधा चम्मच चंदन का पाउडर ऐड करना है। और दूध इतनी मात्रा में ऐड करना है कि ये गाढ़ा सा पेस्ट बनकर तैयार हो जाए। अब आप इस फेस पैक को अपने चेहरे पर लगाएं और सूख जाने पर सादे पानी से धो दें। इस पैक को भी आप हफ्ते में 3 बार लगा सकती हैं। अब हम तीसरा फेस पैक तैयार करेंगे, जो है एक एंटी एजिंग फेस पैक। सबसे पहले मैश किया हुआ केला लें। अब इसमें 2 चम्मच एलोवेरा जेल ऐड करें। अब हम इसका एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। आप इस फेस पैक को 30 मिनट तक अपने चेहरे पर लगा रहने दें और उसके बाद चेहरे को साफ पानी से धो लें। आप इस रेमेडी को हफ्ते में 1 या 2 बार ही करें। फ्रेंड्स, केले में कई पोषक तत्व होते हैं, इसलिए केले से बना फेस मास्क लगाने से त्वचा से जुड़ी अनेक परेशानियों को ठीक किया जा सकता है। चेहरे पर केला लगाने के कई फायदे हैं। आप बनाना फेस मास्क के रूप में त्वचा को पोषण दे सकती हैं। सो फ्रेंड्स, यही थी हमारी आज की वीडियो।
अगर आपको किसी भी पॉइंट पर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।